ये रहा है बगीरा और ये रहे हमारे ऋषभ भाई। जय माता दी, जय माता दी। उड़ाओ, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम की। कल रात को हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे। एक्चुअली हमारा स्टे काजा में था, बट ड्यू टू सम रीजन जो कि मैं अभी क्लियर आउट करने वाला हूँ, उसकी वजह से हमें की में रूरू होम स्टे है उसमें स्टे करना पड़ रहा है। सुबह के सीन्स ऐसे थे कि भाई पूरे यार यहाँ पे बादल बादल थे, मैं शॉर्ट्स भी दिखाया था आपको कुछ, और ऐसा लग रहा था कि भाई स्नोफॉल आज की पे भी और काजा में भी हो जाएगा। बट अब जो है सीन्स काफ़ी बदल गए हैं, धूप अच्छी खासी निकल गई है। अगर आप लोग विंटर स्पीति के लिए प्लान कर रहे हैं, एक चीज़ क्लियर आउट करना चाहूँगा यहाँ पे कि यार यहाँ पे सर्दियों में बिकॉज ऑफ माइनस टेम्परेचर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सो मैक्सिमम ऑफ दी होम स्टेज एंड होटल्स बंद हो जाते हैं। प्लीज़ 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 अपनी बुकिंग्स एडवांस में करके आइए। यहाँ आके अगर सोचोगे तो यार बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा। आज की बात कुछ ऐसी है कि यार हम लोग आज लेट तो हो ही गए हैं, उठने में लेट हो ही गए हैं, क्योंकि सुबह सुबह उठे उसके बाद आलस आ गया, इतनी अच्छी नींद आई थी। पूरे ट्रिप की सबसे बेस्ट नींद यहीं पे जाके आई है। सो ब्रेकफास्ट करते हैं अब, उसके बाद चीचम और किब्बर और की मिनिस्ट्री तीनों चीज़ें करके आते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या सीन्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो लेट्स गो। सो दिस इज़ दी रूरू होम स्टे। फर्स्ट फ्लोर है इसका, ये बेसिकली कॉमन एरिया है जहाँ पर आप लोग सब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के चिल आउट कर सकते हो। बीच में बुखारी लगी हुई है जिससे कि ठंड का जो है एहसास थोड़ा कम होता है। कल रात को मैं तो यहीं पे सोया था इस जगह पे, क्योंकि सामने बुखारी लगी हुई थी और बहुत ही अच्छी यू नो फील आ रही थी। ये है हमारा रूम, बालक भाई ने कल रात में अकेले ही खूब मज़े लिए होंगे इस रूम में। और एक्चुअली हमारे रूम की जो बालकनी है उसका कुछ गेट में प्रॉब्लम है, वो ओपन नहीं हो पा रही है। सो इनके रूम से मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है रूरू होम स्टे से जो व्यू आता है सामने वाले पहाड़ और पीछे की तरफ की मोनेस्ट्री। अब चलते हैं नीचे बॉयज, ब्रेकफास्ट चल रहे हैं इनका। कॉमन एरिया आपने देख लिया है। और ये तेजस, हाय तेजस। हाय ब्रो, क्या हाल है? बस कुछ नहीं यार, चल रहा है। चल रहा है बढ़िया। इसलिए दिखा रहा था क्योंकि सुबह इतना स्नोफॉल नहीं था, यानी ये जो है सारा का सारा अभी फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होपफुली अगर किस्मत अच्छी हुई तो शाम को हमारे होम स्टे और की तरफ भी स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा। रास्ते देख लो यार, रास्ते बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं और स्पेशली अपनी बाइक को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ भाई। क्या दिन थे यार वो जब इन रास्तों पर बाइक चलाई थी यार। बर्फ। हम इंतज़ार कर रहे हैं भाई, इंतज़ार। सो गाइज, वी आर एक्चुअली इन द मिडल ऑफ द चीचम ब्रिज, जो कि एशिया वर्ल्ड सबका हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। और क्या ज़्यादा बताऊँ यार, यहाँ के नज़ारे ऐसे हैं हल्की फुल्की सी, बिल्कुल माइन्यूट सी अगर मेरे चश्मे पे दिख रहा होगा आपको तो, बर्फ़ सी पड़ रही है। और नीचे देखो एक बार यार,
वाओ मैन वाओ, गोप्रो छूट मत जाइयो आज से। ऐसी जगहों पे आके लिटरली एक अलग ही लेवल का क्रेज बन जाता है, और स्पेशली जब आप अपने ग्रुप के साथ हो या अकेले हो और पूरा ब्रिज आपको मिल जाए, ऐसा लगता है ना कि यार अपने बाप की जगह है। ज़्यादा बोल गया पर ठीक है यार, मज़ा आ रहा है। ये बैठे हैं बिल्कुल सामने चीचम ब्रिज के बालक भाई और मैं, एंड वी आर ड्रिंकिंग दी हैविंग एक्चुअली दी हॉट चॉकलेट। सो थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर योर चॉकलेट। इतनी सर्दी में यहाँ पे आके ये चीज मिल जाएगी, पूरी ट्रिप में अभी तक नहीं मिली बट यहाँ आके मिल गई। आपका नाम क्या है? राधे जी। ओके थैंक यू भैया, वेलकम सर। सो यार हॉट चॉकलेट खत्म करते हैं और फिर निकलते हैं किबर के लिए, मजा आ गया। बिल्कुल ब्रिज अकेला है, हमारे लिए बचा हुआ था बस, और क्या चाहिए जिंदगी से यार, ये बताओ। सो गाइस यार फाइनली एंट्रिंग इन टू किबर, और किबर क्या सीन्स दिखा रहे हैं हमें, उम्मीद नहीं थी यार। ताज़ा ताज़ा स्नोफॉल हो रहा है बिल्कुल सामने, अभी गाड़ी से उतर के दिखाता हूँ कि भाई ताज़े ताज़े स्नोफॉल के सीन्स कैसे बैठते हैं। सो एक स्टॉपेज लेते हैं और फिर दिखाते हैं कि भाई क्या सीन्स बैठते हैं ताज़े ताज़े स्नोफॉल के। अरे रुक 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 भाई, नाम तो बता दे अपना। अरे रुक 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 रुक। सो गाइज फाइनली हम आउटर किबर में हैं, और मैंने कहा था कि स्नोफॉल दिखाऊंगा आपको। वो रहा यार फ्रेश स्नोफॉल, सारा कवर्ड हो चुका है, और इस तरफ भी अगर आपको हल्के फुल्के से स्नोफ्लैक्स दिखे होंगे वीडियो में, ये देखो अभी आ रहे हैं। सो फाइनली स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है। अब ये नहीं पता कि हमारे विलेज में वो होगा या नहीं होगा, बट सामने देखो यार सारा सारे बादल बर्फ लेके फाइनली स्पीति वैली में आ गए हैं। किबर के बारे में जैसा हम लोगों को बताया गया, यहाँ पे टोटली जो हाउसेज हैं सारे, जितने भी आपको ये हाउसेज दिख रहे हैं, ये मड हाउस है, एंड इट इज़ दी हाईएस्ट हैबिटेबल विलेज इन दी वर्ल्ड। मड हाउस का फ़ायदा फिर बताया तो ये होता है कि यार ज़्यादा सर्दी में सर्दी नहीं लगती और ज़्यादा गर्मी में गर्मी नहीं लगती। सो उसी के हिसाब से ये सारा बनाया गया है। सांस थोड़ी सी चढ़ रही है, ऑब्वियस है इतनी हाइट पे आके तो चढ़ेगी। एक बार फिर भी देख लो यार सामने की तरफ चीचम, ये किबर, वाओ मैन, मतलब होंठ सारे सूख गए यार, बिल्कुल सूख गए इस समय। अभी क्रीम लगा लूँगा जाके, बट मुझे पता था स्पीति डिसअपॉइंट नहीं करेगी, एंड इट वॉज़ दी राइट डिसीजन टू विजिट स्पीति एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। थैंक यू स्पीति, थैंक यू। स्नोफॉल देख के जाते हैं और हम स्नोफॉल लाइव स्नोफॉल का एक्सपीरियंस लेते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल ही पीसफुल एक्सपीरियंस है यार, एंड वी आर एक्चुअली लकी टू विटनेस दिस मास्टरपीस ऑफ नेचर। स्नोफॉल एक मास्टरपीस ही होती है, इतनी शांति है इस समय यहाँ पे, कोई आवाज़ नहीं कुछ नहीं, बस भैया की गाड़ी में बस एक पहाड़ी सॉन्ग चल रहा है जिसको हम इन्जॉय कर रहे हैं। अभी हमें सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और देखो यार, वाओ मैन। चलो नीचे चलते हैं, अब बहुत हो गया, नीचे जाके भी इंजॉय करना है, देखते हैं नीचे के सीन्स कैसे हैं। सो गाइस फाइनली वी आर एंटरिंग दी की मॉनेस्ट्री, और कभी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से की मॉनेस्ट्री अपने दर्शन देगी यार। हल्का फुल्का स्नोफॉल जो है, माइन्यूट पार्टिकल्स बिल्कुल,
पड़ रहे हैं और मौसम अल्टीमेट है। सो भैया ये जो नज़ारे हैं, या तो आप आओगे बिल्कुल ही येलो येलो से दिखेगा, या फिर आपको पूरी बर्फ़ दिखेगी, पर आधी बर्फ़ और आधा येलो शायद ही देखने को मिले, मतलब देखने को मिलेगा बट बहुत ही मतलब क्या ही बोलूँ, बोलना नहीं चाहता, किस्मत वालों को देखने को मिलता है यार ये, ऐसा मैं नहीं, मेजर साहब कह रहे थे। तो ये देखो चिड़िया, देखो पहले तो यार चिड़िया देखो, ओ मैन मैजिक होता है ना, बस वही है ये। लास्ट टाइम आए थे तो ये पूरा 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 पीला था, और अब वाइट और पीले का मिक्सचर, धीरे धीरे जैसे जैसे जनवरी आएगी, फेब आएगी, पूरी जनवरी में पूरा वाइट हो जाएगा ये। ठीक है, हमारी किस्मत में यही देखने को मिला था, वी आर हैप्पी विद दिस। एक्चुअली हो क्या रहा है यार, ठंड है इस समय, हवा चल रही है काफ़ी ज़्यादा, और उसकी वजह से ना GoPro की बैटरी बहुत जल्दी डाउन जा रही है। तो जितना मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, जितना दिखा सकता हूँ, उतना की मोनेस्ट्री में दिखाऊंगा, नहीं तो यार आप भी तो एक बार आओ, ऐसी खूबसूरत वादियों में आओ, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आओ, पल्यूट मत करो, बदतमीजियाँ मत करो। अभी पीछे कुछ लोग बॉटल्स फेंक रहे थे दारू पी के, यार व्हाट इज़ दिस मैन, व्हाट इज़ दिस, फेंक रखी थी फिर उधर की मोनेस्ट्री का एक पॉइंट है उसके अंदर भी फेंक रखी थी, क्या है यार ये, हर जगह को अपना घर मानो और घर की तरह रखो तभी मज़ा आएगा। तो मैं चलता हूँ, देखता हूँ अगर GoPro ने साथ दिया तो आगे हम व्लॉग करेंगे, नहीं तो फिर सीधा चलेंगे अपने रूम पे। सो गाइस दिस इज़ द व्यू फ्रॉम दी वन ऑफ द टॉप टावर्स ऑफ दी की गोम्पा की मोनेस्ट्री, वाओ। अंदर फोटोग्राफी वगैरह प्रोहिबिटेड है, सो मैंने भी ज़्यादा नहीं करी, और सही बताऊँ तो मन भी नहीं कर रहा यहाँ पे, GoPro थोड़ा सा बचा है। एक्चुअली क्या है कि इतनी शांति है यहाँ पे, इतनी शांति है, क्या ही बोलूँ मैं, आई एम टोटली स्पीचलेस, कुछ नहीं बोला जा रहा। रिवर बह रही है उधर और पहाड़ों की आवाज़ आ रही है, बैठो सुनो बस।